यहाँ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु तीर्थयात्री होते हैं जो सिर्फ गणेश मंदिर जाते हैं और बौद्ध गुम्बा में नहीं। फिर भी यहाँ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु तीर्थयात्री होते हैं जो सिर्फ गणेश मंदिर जाते हैं और बौद्ध गुम्बा में नहीं। फिर भी और बौद्ध गुम्बा में नहीं। फिर भी और बौद्ध गुम्बा में नहीं। फिर भी अधिकारियों को बौद्ध गुफाओं के पास शुल्क संग्रह करने के लिए स्थानांतरित करने के लिए। फुले शाहू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला वाहिलेलं बौद्धांचं एकमात्र चॅनल CWC न्यूज चॅनल TV चॅनल जे आहे ते आपण जास्तीत जास्त लोकांनी पाहिलं पाहिजे, शेअर केलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त सहकार्य चॅनलला केलं जेणेकरून भगवान गणेश एकता समृद्धी और बाधाओं को दूर करने वाले हिंदू देवता है। अष्ट शब्द आठ गणेश को संदर्भित करता है और अष्टविनायक यात्रा भारत के महाराष्ट्र राज्य में आठ गणेश मंदिरों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करती है जिसमें पूर्व निर्धारित क्रम में गणेश की आठ अलग अलग मंदिर स्थापित है। उसमें से ही एक लेनाद्री मंदिर अष्टविनायक के आठ मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुफा में स्थित है जो मैदानी इलाकों से लगभग 30 मीटर ऊपर जुन्नर के आसपास की सबसे बड़ी खुदाई में प्रकट है। इस मंदिर में रोजाना कई लोग दर्शन लिए जाते हैं। केंद्र सरकार के अधीन आने वाला पुरातत्व विभाग शुरू में 5 रूपए फीस लेता था, अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 25 रूपए प्रति व्यक्ति कर दिया है। यह आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु तीर्थयात्री होते हैं जो सिर्फ गणेश मंदिर जाते हैं और बौद्ध गुम्बा में नहीं। फिर भी ASI के विभाग के सभी तीर्थयात्रियों से फीस लिया जाता है। यदि ASI सिर्फ बौद्ध गुफाओं में प्रवेश शुल्क ले तो गणेश मंदिर के तीर्थयात्री मुफ्त में दर्शन कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री और पौत्र मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया उपरोक्त तो मामले में हस्तक्षेप करके संबंधित अधिकारियों को बौद्ध गुफाओं के पास शुल्क संग्रह करने के लिए स्थानांतरित करने के लिए निर्देश दे दिए और गणपति तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए शुल्क नहीं ले। धन्यवाद।